राजस्थान में हर शुभ अवसर पर देवताओं की पूजन में, माता की पूजन में, कन्या पूजन में गुड़ की लापसी जरूर बनाई जाती है, तो आज हम वही बनाना सीखेंगे। तो आइए झटपट से हम ये गुड़ की लापसी बनाना सीखें। लापसी के लिए एक कढ़ाई में हम आधा कप करीब देशी घी डालेंगे। इसे हम गर्म होने देंगे और इसके लिए हम बारीक दलिया यूज करेंगे जो घर का बना हुआ है। तो ये मैं 2 कप ले लूंगी। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए सेकेंगे। जितनी कम आंच पर सेकेंगे उतना अच्छा हमारा दलिया सिक करके तैयार होगा। दलिया प्रॉपर सिकेगा तभी हमारी लापसी भी खिली खिली और कलर में और खुशबू में अच्छी लगेगी। दलिया का सिकना बहुत जरूरी है, वरना जो लापसी है उसमें टेस्ट नहीं आता है। राजस्थान में इसी तरीके से लापसी बनाई जाती है। आप चाहें तो इससे थोड़ा मोटे दलिया से भी लापसी बना सकते हैं। गुड़ की लापसी बना रहे हैं इसलिए हम 1 कप गुड़ लेंगे और इसमें हम आधा कप पानी लेंगे। ज्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। इस गुड़ को हमें सिर्फ मेल्ट करना है, चाशनी नहीं बनानी है। तो दलिया हमारा अच्छे से सिक चुका है, खुशबू भी आ रही है और अच्छा कलर भी दे रहा है। तो इतना ही हमें इसको सेकना है, इससे ज्यादा नहीं। अब इसमें हम पानी यूज करेंगे। पानी इसमें हम इसका डबल यूज करेंगे, तो 3.5 कप पानी नॉर्मल हम डालेंगे। आधा कप पानी हमने गुड़ में डाला है तो उस हिसाब से ही पानी डालेंगे। और ज्यादा हमें गर्म पानी यूज नहीं करना, नॉर्मल पानी डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी को मिक्स करने के बाद इसे हम ढक करके कम आंच पर पकने देंगे। दलिये का दाना अच्छे से फूल जाएगा पानी पी करके। तो देखिए 5 मिनट लगे हैं इसको और अब इसे हम हिला करके देखेंगे। देखिए कितना खिला खिला सा हमारा दलिये का टेक्सचर लग रहा है, ऐसे ही हमें चाहिए। और अब इसको हम हल्का सा दबा करके चेक करेंगे तो ये अच्छी तरीके से पक चुका है। इसमें हमें कोई चिकनाहट वाला जैसे सीटी में हम पकाते हैं उतना ज्यादा हमें नहीं पकाना है, बस हाथ से दब रहा है इतना ही हमें इसको इस टाइम भाप में पकाना है। तो इसको हम एक बार हिला चुके हैं और फिर से ढक करके हम इसको 1-2 मिनट और होने देंगे। तो 2 मिनट और हो गए, अच्छे से दाना फूल गया है। अब इसे हम हिला लेते हैं एक बार और। अब इस सिके हुए दलिये में हम अपना मेल्ट किया हुआ गुड़ का पानी इसे हम डालेंगे। इसे हम छान करके डालेंगे। छान करके डालना जरूरी है, कचरा होता है काफी गुड़ में, तो इसलिए हमें छानना है। और इसे हम लगातार चलाते हुए कम आंच पर पकाएंगे और इसे पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि गुड़ का पानी पूरे में लग जाए। और फिर इसे हम ढक करके पकाएंगे और हर थोड़ी देर में बीच बीच में हम इसे हिलाते भी रहेंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। तो देखिए गुड़ का पानी अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसे हम ढक करके 2-3 मिनट पकाएंगे और फिर बीच में हिलाते रहेंगे। देखिए इस तरीके से हिला रहे हैं तो देखिए गुड़ का जो है कलर भी अच्छा आ गया इस दलिये पर। और अब इसमें हम घी यूज करेंगे, तो 2 टेबल स्पून घी यूज करेंगे और फिर इसे हम हिलाएंगे। राजस्थानी रेसिपी है तो घी के साथ ही पकेगी। अब लास्ट स्टेज में ये घी के साथ पकेगा, इस टाइम हमें इसको ढकना नहीं है। फिर से 2 टेबल स्पून हमने घी डाला। इस तरीके से अभी तक मैंने 4 टेबल स्पून घी यूज कर लिया है। आधा कप हमने पहले डाल लिया था तो इस हिसाब से 3/4 कप घी कुल हमारा इस लापसी में लगेगा। आप चाहें तो आधे कप से भी बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्योर राजस्थानी रेसिपी खाना चाहते हैं तो घी आप दिल खोल करके यूज करेंगे तो स्वाद अच्छा आएगा। तो देखिए दलिया जो है अब हमारा घी के साथ ही पक रहा है और इसी के साथ अपना फुलाव ले रहा है। गुड़ हम डाल चुके हैं तो अब इसकी जो सिकाई और बुनाई और जो फुलाव है वो सिर्फ घी के साथ होगा। लास्ट स्टेज में जब हम घी के साथ इसकी सिकाई करते हैं तभी इसका टेस्ट आता है। देखिए मैं आपको क्लोज करके बता रही हूँ कि घी पीते पीते देखिए दलिये की क्या स्थिति हुई, दलिया काफी फूल गया है। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर हम पकाते हैं। उसके बाद देखिए इस तरीके से घी छूटने लगता है, तब तक हमें इसको पकाना है। उधर हमारी लापसी अपना घी रिलीज करती है, तब तक हम एक दूसरे पैन में थोड़ा सा घी लेंगे। इसे हम गर्म करेंगे और इसमें हम खोपरे की इस तरीके से कटिंग करके डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फिर हम थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम को भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो घी हमारा रिलीज हो गया है, अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए देखिए दाना जो है हमारा कैसा खिला खिला बना है, बिल्कुल चिकना नहीं है, ऐसा ही हमें चाहिए। और इसे सर्व करते वक्त आप ऊपर से भी कच्चा घी डाल सकते हैं। अब इस पर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे अपने सारे। तो देखिए हमारी लापसी बनकर के तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।